इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। सिराज अंसारी साहब हैं, सरकारी हॉस्पिटल में रहते हैं। ये बताते हैं कि टंकी जो पानी की सप्लाई होती है ना, वो एक ही है वहाँ पे और 10 हाथ लंबी चौड़ी भी नहीं है। खुद बताते हैं कि जो हौज़ की परिभाषा में दाखिल हो ऐसी भी नहीं है। और उसमें होता है कि लोग हाथ मुँह धोते हैं या कपड़े धोते हैं तो उसमें पानी की छींटे चली जाती हैं टंकी में, और ये उसी से वजू वसल करते हैं। और सबसे बड़ी किल्लत ये है कि उसमें कभी कभी हाथ डालते हैं तो हाथ भी चला जाता है, तो पानी का उसमें क्या हुक्म है। तो आपने खुद लिखा कि पानी मुस्तमल वो हो जाता है, 10 हाथ लंबा चौड़ा नहीं है। तो जवाब माशाल्लाह आपको मालूम है कि अगर ऐसी टंकी में ये जो 10 हाथ लंबी चौड़ी ना हो, गहरी अगरचे वो है आप बता रहे हैं टंकी, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि हौज में दाखिल हो, हौज की तारीफ में दाखिल हो, छोटे हौज में तो इस तरह नहीं हो सकता। तो उसमें अगर किसी ने बेधुले हाथ डाल दिया या उंगली भी डाल दी, या नापाक आदमी ने हाथ या उंगली डाल दी, तो फिर वो पानी इस्तेमाल शुदा हो गया, उससे वजू गुसल नहीं हो सकता, दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन ये कपड़े वगैरह धोने के ताल्लुक से उसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये कि वहाँ दूसरी कोई टंकी भी नहीं है आपने कहा, तो इस सूरत में क्या करा जाएगा? तो इस सूरत में ये करा जाएगा कि आप कोई एक कंटेनर कैन वगैरह जिसको कहते हैं उसको एक बना लें 5 लीटर की 10 लीटर की, और जहाँ आसपास करीब टंकी हो वहाँ से उसको भर के ला के सुबह घर में रख लें और वज़ू में वो इस्तेमाल किया करें, और बाकी चीज़ों में आप उससे टंकी से इस्तेमाल कर लें। इस तरह कर लें, वाटर कूलर वगैरह बना लें, उसको आप भर लाएं कहीं दूर से जहाँ पानी आता हो, टंकी चलती हो, आस पड़ोस के घर से भी आप मोटर चला के जहाँ साफ़ पानी हो ले सकते हैं। अगर हॉस्टल के पास ऐसा माहौल है कि पानी मिल जाएगा तो कर लें उससे वजू, गुस्सा यानी वजू तो कम से कम उससे कर लें। इसमें एक सूरत ये हो सकती है कि अगर वो टंकी में पानी सुबह भरा गया, यानी उसके भरने का टाइम अगर सुबह है और पहली फुर्सत में आप उसको पहले अपने वाटर कूलर या कैन के अंदर भर लेंगे, तो आपका वो नया पानी जो है वो आपके इस्तेमाल में हो जाएगा। फिर चाहे उसमें लोग बाद में हाथ डालें तो फिर कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बाद में कल वो दोबारा टंकी पानी गालिब नया आ जाएगा उसमें टंकी में, तो आप फिर से वो कर लें। अगर ये मुमकिन हो तो इस तरह कर लें, आपको फिर बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसी से अपनी वाटर कूलर या टंकी वज़ू के लिए 5 लीटर की गैलन भर के अलग रख लिया करें, उससे वज़ू कर लें, और गुसल का मसला हो जाएगा फिर भी। तो गुसल के लिए कि जब तक हाथ उसमें ना डाला जाए उसी वक्त गुसल की बाल्टी भी भर लें जिस दिन आपको नहाना हो। मसलन ये कि अगर रोज़ नहाना है तो आप डेली उसमें से बाल्टी, जब नया पानी भरा जाए किसी और के इस्तेमाल से पहले ही आप भर के एक बाल्टी रख लिया करें, उससे सुबह गुसल कर लिया करें। इस तरह से मामला किया जा सकता है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना।